अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 9। अगर आपका मूलांक या फिर भाग्यांक 9 है या फिर आपकी राशि मंगल प्रधान है तो ये वीडियो आपके लिए है। अंक 9 के स्वामी ग्रह हैं मंगल देव। मंगल जिसे एक सेनापति का दर्जा मिला है। मंगल जोश है, जुनून है। मंगल साहस है, पराक्रम है, धैर्य है। मंगल की उपस्थिति व्यक्ति को जुझारू बनाती है, बहुत ही मेहनती बनाती है। मंगल हमारे रक्त का कारक भी है। मंगल हमारी उग्रता, हमारी उत्तेजना, हमारी तृष्णा को भी दर्शाता है। ये काल पुरुष का बल है। मंगल एनर्जी है, जवानी है, हठ है, बेफिक्री है। मंगल निष्कपट है, सत्यप्रिय है, अति उदार है, लेकिन चंचल स्वभाव ये भी है। भूमि, जमीन, जायदाद संबंधी, खेती संबंधी मामलों पर मंगल का प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने वाला, बेहद हठी, लेकिन विजेता है ये मंगल। जो चाहता है अपनी मेहनत और पराक्रम के बल पर अवश्य प्राप्त कर लेता है। ये वर्तमान में जीता है, एक लीडर की भांति जन्मजात फाइटर है। इसीलिए ऐसे लोगों का पूरा जीवन ही कष्टकारी रहता है, संघर्ष में गुजरता है। साल 2023 केतु का वर्ष है। केतु और मंगल मिल गए तो अंगारक का काम होगा। मंगल का अर्थ ही है अंगार, और केतु भी मंगलवत कार्य करता है। दोनों के मिलने से मंगल की शक्ति दोगुनी हो जाएगी। साल 2023 में भी आप में यही गुण देखने को मिलेंगे। आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे। हो सकता है आपको इस वर्ष थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा करना पड़ जाए, क्योंकि मंगल का दूसरा नाम ही संघर्ष है, संघर्ष का डटकर सामना करना। आप थोड़े से जल्दबाज भी हैं, बिना प्लानिंग किए काम को करना शुरू कर देते हैं, जो आपको इस वर्ष ज्यादा परेशानी में डालने वाला रह सकता है। लेकिन आप जन्मजात फाइटर भी हैं, आप परिस्थिति से घबराने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं, डटकर सामना करेंगे। इस वर्ष भी आप अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ढूंढते हुए नजर आएंगे। आप में एक जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी है जो इस वर्ष आपके काम बहुत आने वाली है। आप अपने एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखेंगे, हमेशा की तरह लोगों की मदद भी करेंगे। हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वैसे भी आप अपने जीवन में प्रेम को बहुत महत्व देते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। आप लोग एक अच्छे दोस्त की श्रेणी में आते हैं। आप रिश्तों में दोस्ती का भाव अहम रखते हैं। अपने शुभ चिंतकों की मदद के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस वर्ष आपका रुझान अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा। आप नए नए दोस्त बनाएंगे, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड भी करेंगे। लेकिन ये साल केतु का है। इस वर्ष केतु आपका ध्यान आध्यात्मिक कार्यों में भी ज्यादा लगाएगा। आप एकांत, ध्यान, चिंतन, गूढ़ विद्या की ओर भी आकर्षित होंगे। आप दूसरों के मन की बात आसानी से समझ जाते हैं, दूसरों को इम्प्रेस भी बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आप होते ही इतने पैशनेट हैं। विपरीत लिंगी बहुत जल्दी आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस वर्ष भी आप अपने दोस्तों की कंपनी खूब एंजॉय करेंगे। आप अपने दोस्तों पर खर्चा भी खूब करते हैं, लेकिन इस वर्ष आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने धन को संभाल कर रखें, बचा कर रखें, वरना आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इस वर्ष आप लोग जो भी करेंगे अपने बलबूते करेंगे। आप जो भी अचीव करेंगे उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। कैरियर के लिहाज से भी आपकी बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप एक अच्छे बिजनेस लीडर बनेंगे। आप अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखेंगे। आप अपनी एक अलग पहचान बना पाने में कामयाब रहेंगे। कुछ ऐसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की संभावना है जिसमें आप सफल भी होंगे और लाभ भी कमाएंगे। इस वर्ष विदेशों से या विदेशी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए बड़े काम आने वाले हैं। हाँ, नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप चुनौतियों का डटकर सामना करने वालों में से हैं। बड़े से बड़ा काम पूरे कॉन्फिडेंस, पूरी दिलेरी के साथ, बिना डरे, बिना झिझके आप पूरा कर लेते हैं। आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अपने भाग्य के आप स्वयं निर्माता होते हैं। कुछ बड़ा, कुछ नया कर दिखाने की प्रवृत्ति ही आपको जोखिम लेने की क्षमता देती है।
इस वर्ष भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन अपनी लाइफ में इस वर्ष जो भी परिवर्तन होंगे आपके अचानक से ही होंगे, क्योंकि केतु अचानक से ही रिजल्ट देता है। जहां आपको लगेगा कुछ काम नहीं बन पा रहा है, आप निराश हताश होने लगेंगे, केतु आपको वहां पर भ्रम की स्थिति दे देगा, जबकि आपको यहां पर संभल कर रहना है। अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात बिठानी है कि आपने अपना कर्म करते रहना है, रिजल्ट भले ही कुछ भी हो, क्योंकि देर सवेर रिजल्ट तो मिलना ही है। आपको बस धैर्य बनाकर रखना होगा और यही आपकी परीक्षा की घड़ी भी होगी। ये साल 2023 आपके पेशेंस रखने की घड़ी है, आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा ये साल, लेकिन अचानक से। आपको सतर्क भी रहना है, क्योंकि आपने आए हुए मौके को हाथ से भी नहीं गंवाना है। आपके लिए साल 2023 का शुरुआती समय काफी मेहनत और तनाव देने वाला रहेगा। काम का अत्यधिक बोझ आप पर हो सकता है, जिस कारण हो सकता है आप अपने परिवार को भी टाइम ना दे पाए, लेकिन मार्च के बाद का समय आपके लिए अनुकूल होता चला जाएगा। बीच बीच में आपको कुछ झटके भी लग सकते हैं, क्योंकि केतु आपको यहाँ दिशा भ्रमित भी समय समय पर करता रहेगा। जून और सितंबर के महीने में आपको थोड़ा अधिक सतर्क रहना होगा, धोखा भी मिल सकता है। इस साल 2023 में आप एक ही रूटीन वर्क को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप नए नए दोस्तों की ओर आकर्षित होंगे, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। कुल मिलाकर इस वर्ष आपकी ऊर्जा में एक नया संचार होगा। काफी सारे चैलेंजेस के बाद आप सफलता को अपनी ओर मोड़ने में सफल भी हो जाएंगे। आने वाला साल 2023 अंक 9 वालों की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस लेके आ रहा है, उसे जानने से पहले आइए थोड़ा सा 9 के इस अंक को भी जान लेते हैं। अंक 9 यानी कि मंगल की एनर्जी, एक रॉयल पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं लोग, काफी रौबदार, एक शक्तिशाली व्यक्तित्व, लीडरशिप क्वालिटी इनमें जन्मजात होती है, इनकी आवाज में जादू होता है। मंगल को सबसे तेज ग्रह माना गया है, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं लोग, उत्साही, पॉजिटिव सोच के, आशावादी, होपफुल, जीवन को भरपूर जीने में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपने भाग्य के स्वयं निर्माता होते हैं। शारीरिक रूप से तो बहुत मजबूत होते ही हैं, मानसिक रूप से भी बेहद प्रबल होते हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ये नहीं खोते हैं, बड़े बड़े काम में जोखिम लेने से घबराते नहीं हैं, गजब का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है इनमें। बजरंग बली का आशीर्वाद इन लोगों पर हमेशा ही बना रहता है। ये लोग अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, इनके अपने कुछ नियम होते हैं जिन्हें ये पूरी निष्ठा से निभाते हैं। बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं ये, उदार दिल के होते हैं, भावुक बहुत होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए जैसे ये हरदम तैयार बैठे रहते हैं। धन के मामले में भी ये भाग्यशाली साबित होते हैं, भले ही इनके पास जमा पूंजी हो या ना हो, धन को लेकर इनके कोई भी काम रुकते नहीं हैं। अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को ये लोग लिखना जानते हैं, यहाँ तक कि ये लोग दूसरों के लिए भी भाग्यशाली साबित होते हैं। इनके साथ रहकर दूसरे लोगों की किस्मत भी बदलते देखी गई है। इनके प्रभाव में रहकर लोग अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। लोगों की मदद में तो ये सबसे आगे होते ही हैं, लेकिन जब इन्हें मदद की जरूरत होती है तो कोई भी, यहाँ तक कि इनके मित्र जिनकी इन्होंने मदद की होती है, वो भी कहीं नज़र नहीं आते हैं। कहने का भाव ये है कि ये अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। समय के साथ चलने वाले लोग हैं ये, पुरानी परंपराओं के साथ साथ आधुनिकता का संगम। इनसे अच्छा सामंजस्य भला और कौन स्थापित कर सकता है। घूमने फिरने की बेहद शौकीन, एक हाई क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं ये लोग। अपने आप में मस्त, अपने आप में व्यस्त, ना किसी की आलोचना करते हैं ना सुनते हैं। साफ स्पष्ट बात करने वाले, कोई दिखावा, कोई लाग लपेट, कोई फॉर्मेलिटी, कोई मिलावट नहीं, खरी बात बोलते हैं, जो अक्सर लोगों को चुप भी जाती है, क्योंकि सच जल्दी लोगों से पछता नहीं है। लोग इनके क्रोधी, इनके गुस्सैल स्वभाव को भी जानते हैं, इसलिए बहस में भी इनसे पड़ते नहीं हैं। ये लोग बहुत एग्रेसिव तो होते ही हैं, पैशनेट भी काफ़ी हैं, बहुत क्रेजी होते हैं। गाड़ी तेज रफ्तार से चलाना इनका पैशन होता है। जोखिम लेने से ये बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, जिस कारण चोट दुर्घटना की संभावना इनके साथ अक्सर लगी रहती है। ये लोग छोटी मोटी चोटों की परवाह तो करते ही नहीं हैं, नाजुक मिजाज ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी इन्हें ईश्वरीय रूप में वरदान स्वरूप मिली है। अपनी उम्र से ये बहुत ही छोटे नजर आते हैं, काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड,
बहुत महत्वाकांक्षी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना इनके अंदर तीव्र होती है और यही कारण है कि ये लोग तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। वैसे ये लोग ज़्यादा सामाजिक भी नहीं होते हैं, स्वभाव से आध्यात्मिक होते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, इन सब फालतू की बातों में ये अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं। फालतू गॉसिप में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि ये लोग समय की कीमत जानते हैं। अंक 9 वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो मूलांक 9 पर बनी मेरी दोनों वीडियोस अवश्य देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से मूलांक 9 वालों की लव लाइफ पर बनी, उनके सीक्रेट्स, उनके गुप्त और रहस्यमय पहलुओं को दर्शाती मेरी ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अब आपका बर्थ डेट 18 तारीख है या फिर 27 तारीख, ईश्वर ने आपको 9, 18 या फिर 27 के अंक के साथ ही क्यों पैदा किया, आपकी डेस्टिनी क्या है, इन सब की डिटेल में जानकारी आप मेरी इन वीडियोस में जान सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने मंथ के अकॉर्डिंग अपनी सूर्य राशि के अनुसार मेरी इन वीडियोस को यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप चाहे 9 मार्च को जन्मे हों, 18 जुलाई को जन्मे हों या फिर 27 दिसंबर को, आपको यहाँ आपकी लाइफ का चैप्टर समझने में आसानी होगी। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जानते हैं अंक 9 वालों की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपके कैरियर ग्राफ कैसा रहने वाला है साल 2023 में। साल 2023 में आपके सामने एक साथ एक से ज्यादा चुनौतियां एक ही समय में उपस्थित होंगी और आप सभी पर एक साथ ध्यान लगाएंगे। हो सकता है इस वजह से आपकी कुछ समस्याएं दूर भी ना हो पाएं, आप परेशानी में पड़ जाएं, आप अपने खुद के काम से, अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा कि आप इससे भी अच्छा और बेहतरीन कार्य कर सकते थे। आप खुद आगे बढ़कर काम करने में विश्वास रखते हैं और आपकी यही बात दूसरे लोगों के सामने एक मिसाल भी बनेगी इस वर्ष। यदि आप राजनीति में, कानून, मानव संसाधन या फिर विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत हैं तो आप इस वर्ष अच्छी सफलता अचीव करेंगे। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो इस वर्ष कोई बड़ा पद भी प्राप्त करने के आपके चांसेस हैं। आप लोगों के पास ज्ञान का अद्भुत खजाना है, हर चीज के बारे में आप बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हैं, चीजों को अच्छी तरह से समझते भी हैं, इसलिए आप एक अच्छे टीचर, एक काउंसलर, एक गुरु के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। आप रिसर्च में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अगर आप विदेश में जॉब करने के लिए काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं तो इस वर्ष वहाँ पर जॉब लगने के भी चांसेस हैं, आप वहाँ अपना भाग्य आजमा सकते हैं। अगर आप इस वर्ष जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो आपको ये विचार त्याग देना चाहिए, आप इस वर्ष जहाँ हैं वहीं रहकर कार्य करें, इस वर्ष स्थिरता बनाए रखें। स्थिर रहेंगे तभी आप अपनी जॉब में, अपने कैरियर में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपके सैलरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन के पूरे चांसेस होंगे। अगर आप अपने कैरियर से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो उसके लिए फरवरी, मार्च, जुलाई और नवंबर का महीना सही रहेगा। इस वर्ष के लिए आपको यही सलाह दी जाती है कि बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें, धैर्य से काम लें, किसी की बातों से प्रभावित होकर कोई भी डिसीजन ना लें, अच्छी तरह सोचने विचारने के बाद ही कार्य को अंजाम दें क्योंकि ये साल केतु का साल है, समय समय पर केतु आपको भ्रमित करता रहेगा। इस वर्ष आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा जिस कारण आप अपना धैर्य भी खो सकते हैं, आपका बनता काम भी बिगड़ सकता है। ये साल 2023 आपके लिए चुनौतियों के साथ साथ बहुत कुछ नया करने का अवसर भी ला रहा है। इस वर्ष आपको कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिसमें आपको कुछ कर दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा, जिसमें आपका नाम भी होगा और आपको लाभ भी होगा। अगर आपकी अपने कुलीग्स या फिर अपने बॉस से अनबन चल रही है तो आपको यहाँ पर समस्या आ सकती है, आपके अपने सीनियर्स के साथ रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है, कारण आपको पीठ पीछे धोखा भी मिल सकता है, आपके साथ राजनीति खेली जा सकती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने रिश्तों में सुधार कर लें और सतर्क रहें। सामने आपकी प्रशंसा करने वाले कब आपके लिए समस्या खड़ी कर दें आप सोच भी नहीं पाएंगे। जो लोग अभी तक जॉब नहीं हासिल कर पाए हैं उन्हें इस वर्ष नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं। हाँ, जिनका अपना बिजनेस है उन्हें इस वर्ष बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं।
आपको अपने लोगों से, अपने कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ही अच्छा लाभ होगा। कुछ नए और प्रभावशाली व्यक्तियों से भी आप इस वर्ष संपर्क में आएंगे, जो आपके बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप काफ़ी लंबे समय से अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे, तो ये साल 2023 आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, खासकर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में। इस वर्ष आपको विदेशों से भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की, उनके साथ काम करने का चांस मिल सकता है। काम के सिलसिले में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, जिससे आप खूब लाभ भी कमाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2023 में आप अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल को, अपने एक्सपीरियंस का भरपूर योग करेंगे, जिसकी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें, सब कुछ जांचने परखने के बाद ही कोई डील साइन करें। साल 2023 में अगर आपकी आर्थिक स्थिति देख ली जाए तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस वर्ष आप अच्छी सेविंग कर पाएंगे और जिसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में भी कर पाएंगे। यहाँ आप एक बात मन में गांठ लें, साल 2023 केतु का वर्ष है, जिस कारण आपके पास भ्रम का जाल भी बुनता रहेगा, क्योंकि जहां पर सक्सेस चलती है वहां ईर्ष्यालु और धन लोलुप लोग भी आपके आसपास मंडराएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको तरह तरह के ऑफर मिल सकते हैं, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। इस वर्ष तो भूलकर भी किसी पर भरोसा मत करना, वरना आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। इस वर्ष वैसे आप खूब खर्चा भी करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने घूमने फिरने पर, लग्जीरियस आइटम पर, नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो ये साल 2023 इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका है, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह से। आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वर्ष आपको पुराना डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या फिर पेरेंटल प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा मिल सकता है। आपका उधार दिया हुआ या फिर कर्जा या फिर पुरानी इन्वेस्टमेंट कोई आपको वापस मिल सकती है। इस वर्ष आप हमेशा की तरह लोगों की आर्थिक रूप से खूब मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का अवश्य ख्याल रखना होगा कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत है तभी आप किसी की पैसे से मदद करें, वरना आपको स्वयं को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो भी खर्चा या इन्वेस्टमेंट करें, बजट बनाकर करें। आपको सही तरीके से अपने धन का सदुपयोग करना होगा। भूल कर भी किसी को इस वर्ष कर्जा ना दें, वापिस नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए आर्थिक तरक्की देने वाला रहेगा। शर्त यही है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें और सोच समझ कर ही पैसे को खर्च करें, बजट बनाकर चलें। बात अगर स्टूडेंट्स की कर ली जाए तो ये साल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना है। जो स्टूडेंट्स विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, इस वर्ष वे इसमें सफल हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स रिसर्च, मेडिकल और सर्जरी फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, इस वर्ष आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आपको एक विशेष पहचान मिल सकती है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका कैरियर बन सकता है। गवर्नमेंट जॉब या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय कठिन परिस्थितियों वाला रह सकता है। उसके लिए आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करनी होगी। जो स्टूडेंट्स योग, नेचुरोपैथी या स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी रुचि लेंगे, जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए सलाह है कि नए नए दोस्त बनाने के चक्कर में आप अपने कैरियर के प्रति खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें। इस बात का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि विपरीत लिंगी आकर्षण में अगर आप पड़ गए, क्योंकि आप दिल से बहुत ही भावुक हैं, प्रेम को अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, अच्छी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, इस वर्ष आप धोखे का शिकार तो होंगे ही, अपने कैरियर से भी खिलवाड़ कर बैठेंगे। अच्छा होगा कि ज़्यादा दोस्त ना बनाएं, अपने कैरियर पर पूरा फोकस बनाए रखें, अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने फ्यूचर के प्रति कॉन्शियस रहें, अपने परिवार को पूरा समय दें, उनके साथ अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंक 9 वालों के लिए साल अच्छा नहीं रहने वाला। ये पूरा साल आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, वरना किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आपको स्ट्रेस कम लेना होगा, धैर्य रखना होगा,
क्रोध पर काबू रखना होगा, अपने खाने पीने का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। अगर आपको सिर से जुड़ी या फिर ब्लड संबंधी कोई परेशानी चली आ रही है तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। समय रहते इलाज करवाते रहें, सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। क्रोध बढ़ गया तो बीपी हाई रहने की संभावना रहनी रहेगी। मानसिक तनाव के कारण आप कमजोरी, थकान, अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप शुरू से ही सुबह शाम की नियमित रूप से सैर करते रहें, हेल्दी डाइट लेते रहें। योग, प्राणायाम और रेगुलर चेकअप आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर समस्या का समाधान 2 से 3 सेशन में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी फैमिली लाइफ की। ये साल 2023 आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ गलत फहमियाँ और बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आएगा, लेकिन उन सब के बावजूद आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अंक 9 वाले प्रेम को बहुत महत्व देते हैं। एनर्जेटिक होते हैं, पैशनेट होते हैं, सभी के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। ऐसे लोग अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम यही है कि इतना आकर्षक व्यक्तित्व होने के बावजूद ये सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ने में अपने आप को कमजोर पाते हैं। इनको लोगों से जुड़ने में काफ़ी समय लगता है, भावुक बहुत होते हैं, साथ ही शाई नेचर होती है इनकी। अपने दिल की बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को दूसरों के साथ साझा नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि अपने पार्टनर से भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये अपने साथी से बेहद प्रेम करते हैं। अपनी समस्याओं को उन्हें बतलाकर उन्हें दुखी और परेशान ये नहीं करना चाहते, और यही कारण इस वर्ष इनके बीच गलत फहमियाँ भी पैदा कर सकता है। क्योंकि इस वर्ष हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहें, काम के सिलसिले में आप बाहर भी जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, या फिर जॉब के कारण आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है जिस कारण आप अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से दूर हो सकते हैं। आपके अंदर निराशा और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आप भी तनावग्रस्त रह सकते हैं और आपका पार्टनर भी। आपकी फैमिली, आपका पार्टनर जो है आप पर अपना क्रोध निकाल सकता है। अच्छा यही होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने सभी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, उनको अपनी व्यस्तता बताएं, उनसे समय समय पर बात करते रहें, उन्हें अपनी परिस्थितियाँ समझाएं, जितना भी समय मिले उनके साथ टाइम स्पेंड करें। आपकी उदासीनता, आपकी बेरुखी आपके रिश्ते में तनाव और एकाकीपन ला सकती है। अच्छा यही होगा कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाकर चलें, दोनों को अलग अलग रखें, क्योंकि रिश्ते और कामकाज दोनों ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आप जितने अच्छे से अपने पार्टनर का ख्याल रखेंगे वो भी आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे। अब ये बात आपकी मैरिड पर्सन पर भी लागू होती है और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन पर भी ये बात लागू रहती है, क्योंकि रिश्तों को संभालना, उसे बनाए रखना, उसे बचाए रखना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वरना आप दोनों के बीच गलतफहमी की एक बड़ी दीवार खड़ी हो सकती है जो आगे चलकर ब्रेकअप का कारण बन सकती है, तलाक की स्थिति बन सकती है। हो सकता है आप दोनों की ज़िंदगी में एकाकीपन आप दोनों के बीच किसी तीसरे को लाकर खड़ा कर दें, क्योंकि इस वर्ष आप लोगों में भी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण साफ साफ नज़र आ रहा है। आप किसी के प्रेम आकर्षण में भी पड़ सकते हैं। अच्छा यही होगा कि आप अपने परिवार को, अपने साथी को अपने बिजी शेड्यूल की हर पहलू की जानकारी उन्हें देते रहें, जब भी समय मिले उनसे बात करते रहें, जब मौका मिले उनके साथ डेट पर जाएं, फैमिली ट्रिप लगाएं। अगर आपका साथी आपको समझेगा तो अवश्य ही आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, हर तरह से सपोर्ट करेगा, आपका हौसला बढ़ाएगा, आपकी परेशानी का कारण समझेगा, आपकी चिंता करेगा, वरना रिश्ते को बिखरने में आजकल ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। आप अपने साथी से गहराई से प्रेम करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने साथी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा समझदारी अगर आप दिखाएंगे तो जिससे प्रेम करते हैं उनका साथ आपके लिए और भी अधिक रुमानी हो जाएगा। उनके साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, उनके साथ एक अच्छा
अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, इससे भी आपके रिश्ते में और अधिक मधुरता आएगी। ये साल 2023 अपने साथी को समझने का, रिश्तों को और अधिक मजबूती में बांधने का समय है। आप अपने साथी के काम में हाथ बटाएंगे, उन्हें इमोशनली भी सपोर्ट करेंगे, तो वो भी आपके ही होकर रह जाएंगे। अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस पर, आपके इंस्टीट्यूट में या किसी आउटडोर प्लेस पर, पार्टी फंक्शन में आपको आपका मनचाही साथी मिल सकता है, जिसके साथ आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर अंक 9 वालों के लिए साल 2023 चुनौतियों के साथ साथ शानदार सफलता को दिखा रहा है। इस वर्ष आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, जोखिम उठाएंगे और अपनी सोच और अपनी मेहनत के बल पर सभी कठिनाइयों को पार करते हुए एक नई ऊंचाई को भी छुएंगे। वैसे भी आप रिस्क टेकर हैं, इस वर्ष भी आप कुछ नया अचीव करेंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी अचीवमेंट हासिल करेंगे, अपनी हिम्मत और मेहनत के बल पर प्राप्त करेंगे। उसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। आने वाले साल 2023 में आपकी परिस्थितियां जीवन के हर क्षेत्र में अनुकूल बनी रहें, उसके लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। जीवन के हर पक्ष को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ सावधानियां भी रखनी होंगी। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन को अलग अलग रखें। इस वर्ष रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ी तो आपके करियर पर भी बुरा असर पड़ेगा। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें, अब वो चाहे आपका वर्क प्लेस हो या फिर आपका रिलेशनशिप, क्योंकि धोखा कहीं भी मिल सकता है। ये केतु का साल है, इसलिए सोच समझकर बोलें, सोच समझकर कार्य करें, ज़्यादा इमोशनल होने से बचें, व्यर्थ के खर्चों पर लगाम रखें, वरना आप कर्जे में भी पड़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझकर करें। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम ना करें, किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी ना करें, व्यर्थ का मानसिक तनाव तो होगा ही, बीमार भी पड़ जाएंगे। जिस काम में आपको नेगेटिविटी आने लगे, उस काम से दूर हो जाएं। हाँ, रिश्ते को बचाए रखना है तो अपने साथी से पूरे कांटेक्ट में रहें, उनको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। 9 का अंक मानवता का अंक माना जाता है। आपसे अच्छा और सच्चा वेलविशर कोई नहीं हो सकता। बहुत ही भावुक हैं आप, अपने प्रियजन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई चालाक व्यक्ति गलती से आपको अपने प्रेम जाल में फंसा ले या फिर आपका दोस्त ही बन जाए, तो समझ लीजिए आप 9 अंक वाले व्यक्ति इमोशनल फूल बनते चले जाते हैं। अपने साथी से इमोशनल ब्लैकमेल होते चले जाते हैं और अंत में आपको दुख, तकलीफ और धोखे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। कहने का भाव ये है कि प्यार के मामले में आसानी से आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। ये साल केतु का वर्ष है, आपको भ्रमित रखेगा। अच्छा यही होगा कि पहले से ही आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों को बचा कर रखें। उपाय के तौर पर हमेशा बजरंग बली की शरण में रहें। हाथ में कलावा या लाल धागा अवश्य डालें। बंदरों को गुड़ चने खिलाएं। लाल वस्तुओं का दान करें। किसी अच्छे काम को करने के लिए अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो गुड़ खाकर पानी पीकर बाहर निकलें। भोलेनाथ की आराधना करते रहें। 9, 18 और 27 तारीख आपके लिए शुभ तिथियां होंगी। 21 मार्च से 27 अप्रैल और 21 अक्टूबर से 27 नवंबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इस समय के बीच में 9, 18 या 27 तारीख को कोई शुभ कार्य, कोई नया कार्य आरंभ करते हैं तो ये आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। आने वाला साल 2023 आप सभी मित्रों के लिए आनंददायी और शुभ फलदायी साबित हो, ऐसी मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।